ठीक है, चैप्टर नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है। मार्क एमंग द फॉलोइंग ए सेल विच डज नॉट एक्सिबिट द फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी। तो फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी जो है अपना जो ब्लड सेल है, ब्लड में जो है एक तो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज, मोनोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज होता है, जिसमें से मोनोसाइट जो है वो क्या है, एम एल लेटर से याद रखना, एग्रेनुलोसाइट में होता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोनोसाइट जो है फैगोसाइटिक नेचर का होता है, दोनों एग्रेनुलोसाइट हैं। एग्रेनुलोसाइट में जो होता है, एग्रेनुलोसाइट में आता है अपना नेबजिस, याद कर लो, हम नेबजिस ही याद किए हैं। नेबजिस से मतलब ग्रेनुलोसाइट में आ जाएगा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये तीनों क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट होते हैं, जिसमें से न्यूट्रोफिल जो होता है वो फैगोसाइटिक होता है। यानी कौन कौन सा फैगोसाइटिक हो गया, न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक हो गया, फैगोसाइटिक हो गया, माइक्रोफेज फैगोसाइटिक हो गया, माइक्रोफेज भी फैगोसाइटिक हो गया, और मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक होता है। ओके, तो कौन सा नहीं होता है, बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है पूरा कितना परसेंट होता है बेसोफिल, 0 से 1% बेसोफिल होता है, जो कि सीक्रेट करता है हिस्टामिन, सीरेटोनिन और हिपेरिन। हिस्टामिन, सीरेटोनिन और हिपेरिन, और हिपेरिन, और इसका फंक्शन क्या है, ये मतलब बेसोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसोफिल इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है बेसोफिल। ओके, ठीक है, चलो, तो पहले का क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी हो जाएगा, ये फैगोसाइटिक नहीं होता है बल्कि इन्फ्लामेटरी होता है। ओके, बाकी मोनोसाइट न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज फैगोसाइटिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑब्जर्व्ड इन द पीपल इन्फेक्टेड विद द डेंगू फीवर। डेंगू फीवर अगर किसी पर्सन को हो जाएगा तो उसमें क्या है, प्लेटलेट्स का नंबर जो है कम हो जाएगा, प्लेटलेट नंबर काउंट जो है डिक्रीज हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट, दूसरे का सी हो जाएगा, सबको पता भी होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग करेक्ट ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल। तो प्रत्येक कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो होता है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में सेम होता है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा, तीसरे का ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाई ए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, टिक द करेक्ट आंसर। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं, या दो पोर्शन है, एक हो गया सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ये मैक्सिमम चीज़ को स्टिमुलेट कर देता है, मतलब जैसे हार्ट बीट रेट को स्टिमुलेट कर देगा, कार्डियक आउटपुट को स्टिमुलेट कर देगा, रिस्पायरेशन रेट को स्टिमुलेट कर देगा, सब कुछ इंक्रीज कर देता है। और पैरासिंपथेटिक जो होता है, पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, ये डाउन करता है, डाउन मतलब कि ये नॉर्मल स्टेट में लाता है। तो देख लेते हैं कौन सा सही है, पैरासिंपथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट नहीं करेगा, ये डाउन करेगा, ठीक है, डिक्रीज क्या, नॉर्मल करेगा, ठीक है, तो स्टिमुलेट नहीं करेगा, हार्ट रेट या स्ट्रोक वाले में कुछ भी नहीं स्टिमुलेट करेगा, नॉर्मल करता है, नॉर्मल या डाउन करता है, ठीक है। तो पहला गलत, सिंपथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, यस, सिंपथेटिक सिस्टम जो है स्टिमुलेट करता है हार्ट बीट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को स्टिमुलेट करता है, सही है। चौथे का भी सही हो जाएगा, सी वाला, पैरासिंपथेटिक सिस्टम डिक्रीज हाँ हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, ये गलत हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं बल्कि स्ट्रोक वॉल्यूम को भी डिक्रीज करेगा पैरासिंपथेटिक सिस्टम। डी वाला दिया, सिंपथेटिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट, नहीं डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज रहेगा, ठीक है, तो ये यहाँ से गलत हो गया। चौथे का सिर्फ फर्स्ट सही है, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकेंड सही है, चौथे का मतलब बी सही है। ओके, पाँचवा नंबर क्या है, मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस एमंग द फॉलोइंग विच इज इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड कोगुलेशन के लिए एक तो कैल्शियम आयन जरूरी है, दूसरा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट फैक्टर, ठीक है, और उसके बाद ये फाइब्रिन प्रोटीन भी चाहिए, फाइब्रिनोजन जो एक्टिव रहता है उसको, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म रहता है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से बात करते हैं तो हिपेरिन तो एंटी ब्लड कोगुलेटिंग सब्सटेंस है, ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं देता हिपेरिन, ये तो होगा नहीं। और ये हिपेरिन किससे निकलता है, हिपेरिन निकलता है वो बेसोफिल सीक्रेट करता है हिपेरिन सब्सटेंस, ये होगा नहीं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता नहीं, कैल्शियम आयन ब्लड करता है लेकिन हिपेरिन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। कैल्शियम आयन हेल्प करता है लेकिन प्लेटलेट फैक्टर हाँ ये भी करता है, ये सही हो गया। पाँचवें का भी, ऑक्सैलेट और सिट्रेट नहीं होगा, ये भी गलत है।
प्लेटलेट करता है लेकिन हिपेरिन नहीं करता है, ये डी वाला इस हिसाब से गलत हो गया। तो जो पाँचवें का बी सी वजह का सिंपल सा, कैल्शियम आयन और प्लेटलेट फैक्टर जो है वो ब्लड कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर छः क्या है, ई सी जी डिपिक्ट द डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल इन द ई सी जी ऑफ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, वन ऑफ द फॉलोइंग वेब इज नॉट रिप्रेजेंट। मैं एक फिगर यहाँ पे मेंशन करूँगा, उसी हिसाब से मैच हो जाएगा। ये देखो ये रहा स्क्रीन शॉट है ई सी जी का, ठीक है। तो ये रहा पी वेब, ए क्यू आर एस वेब और ये टी वेब। अब ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पी वेब रिप्रेजेंट करती है डी पोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, डी पोलराइजेशन ऑफ अट्रिया। अब क्यू आर एस रिप्रेजेंट करती है डी पोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, क्यू आर एस रिप्रेजेंट करती है डी पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी वेब रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें कहीं रिपोलेशन ऑफ अट्रिया नहीं मेंशन है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम डीपोलेशन ऑफ अट्रिया पी वेब रिप्रेजेंट कर रही है, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ द अट्रिया, ओके। और जो क्यू आर एस जो है डीपोलेशन ऑफ वेंट्रिकल रिप्रेजेंट कर रही है, उसको बोलेंगे एक्साइटेशन ऑफ द वेंट्रिकल। और जो टी वेब है वो रिप्रेजेंट कर रही है रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, ओके। अब ये क्या होगा, नॉर्मल रिटर्न हो जाएगी वेंट्रिकल एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में जाएगी, तो उसको बोलते हैं रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या इसको बोल सकते हैं नॉर्मल नॉर्मल स्टेट ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। और ये एक्साइटेड स्टेट है, एट्रिया की एक्साइटेड है, ये वेंट्रिकल की एक्साइटेड है, ठीक है। मतलब डी पोलराइज एक्साइटेड एक्साइटेशन के लिए, एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया के लिए, या सिंपली एक्साइटेशन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डी पोलराइजेशन, और नॉर्मल पोजिशन के लिए जब वेंट्रिकल नॉर्मल आता है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो एट्रिया जो है रिपोलराइजेशन होता ही नहीं, उसका मतलब वो नॉर्मल स्टेट में आता नहीं है, ओके। तो ये हो गया अपना। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, अब पता चल जाएगा ऑप्शन से, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, देख लो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया होता है डीपोलराइजेशन या एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, ये रिप्रेजेंट करता है पी वेव। रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता ही नहीं है, ठीक है। डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल होता है, जो कि क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है, ऐसी को बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ द वेंट्रिकल। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है यानी नॉर्मल पोजीशन में आ गया वेंट्रिकल, ये भी होता है, ये टी वेब रिप्रेजेंट करता है इसको, ठीक है। कौन सा नहीं होता, तो रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं होता है, छठे का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लैक द न्यूक्लियस, इन चारों में से कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियस लैक है, मतलब एब्सेंट है। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो हमें पता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, अब इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो आरबीसी हो जाएगा, सातवें का ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इन्वॉल्व इन द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन में जो अपना ब्लड एक था ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट में आता है नेब, ठीक है, न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल बेसोफिल, और दूसरा आता है एमएलए में, मतलब एग्रेनुलोसाइट में आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और ये जो लिम्फोसाइट है इसमें दो टाइप के लिम्फोसाइट थे, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट, यही जो है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में से जो बी लिम्फोसाइट है वही एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसमें से बी और टी लिम्फोसाइट में से बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो आठवें का कौन सा सही हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर नौ क्या है, क्वेश्चन नंबर नौ है, कार्डियक इम्पल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंट्रिकल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स इच। तो जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स होता है वो होता है पहले एस ए नोड जनरेट होगा, इम्पल्स एस ए नोड से जनरेट होगा, वहाँ से जाएगा ए वी नोड में, ए वी नोड से जाएगा कहाँ पे, ए वी नोड से जाएगा ए वी बंडल में, ए वी बंडल से जाएगा पुरकंजे फाइबर में, ए वी नोड से जाएगा ए वी बंडल में, और ए वी बंडल से जाएगा कहाँ पे, पुरकंजे फाइबर में। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इससे, एस सी नोड से ए वी नोड, ठीक है, ए वी नोड से पुरकंजे फाइबर नहीं, ए वी नोड से ए वी बंडल जाएगा, एस सी नोड से पुरकंजे फाइबर नहीं, ये भी गलत हो गया, एस सी नोड से ए वी नोड यस, ए वी नोड से ए वी बंडल यस, ए वी बंडल से पुरकंजे फाइबर यस, सही है। तो नवे का सी सी हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन साइड मेंशन करते हैं, ओके। ये देखो ये रहा अपना कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये रहा एस सी नोड साइनोट्रियल नोड इसको पूरा बोलते हैं, फिर यहाँ से गया अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी ए बी नोड पे, यहाँ से आया यहाँ पे, ठीक है, ए बी नोड से जाएगा कहाँ पे, बंडल ऑफिशनी हुई, ए बी नोड से ए बी बंडल, फिर पुरकंजे फाइबर, ये पूरा पुरकंजे अभी ए बी जो बंडल ऑफिस है यहाँ से पूरा जो वेंट्रिकल चैम्बर में है, ये हो गया पुरकंजे फाइबर अपना, ओके। तो ये चीज़ हो गया, चलो ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेल इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 में हो चुका है कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, तो बेसोफिल सेल जो है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल सा, 10वें का ए, बेसोफिल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, ओके, द सेकेंड हर्ड साउंड डब एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। तो इसके लिए एक ट्रिक याद करना पड़ेगा। कब लब, दो साउंड बनता है, एक हर्ड साउंड लब होता है, पहला साउंड जो होता है वो लब होता है, दूसरा जो होता है वो डब होता है। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखना कब कैसे होगा। पहले मैं बता देता हूँ लब कब बनेगा, जब ट्राइकस्पिड वाल्व, सही से लिखता हूँ, एक साउंड लब बनता है, दूसरा डब बनता है। ठीक है, लब तब बनेगा जब क्या हो जाएगा, क्लोजर ऑफ ट्राई कस्पिड एंड बाई कस्पिड वाल्व। जब ट्राई कस्पिड वाल्व और बाई कस्पिड वाल्व क्लोज होगी तो उस समय लब साउंड सुनाई देगा, जो कि फर्स्ट साउंड होता है हर्ड साउंड, सेकंड हर्ड साउंड डब साउंड होता है, वो तब सुनाई देता है जब क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, ये तो याद होगी। अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इसके लिए ठीक है, टैबलेट में, टैबलेट होता है ना, टैबलेट में एसडी कार्ड लगाओ, मेमोरी कार्ड को एसडी कार्ड बोलते हैं, तो टैबलेट में मेमोरी कार्ड लगाओ या एसडी कार्ड लगाओ, इसी से पकड़ में आ जाएगा। पहला वाला देखो, जब पहले लिखा हो फर्स्ट साउंड, दोबारा बाद में लिखा हो सेकंड साउंड, तो टी से हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व, एल से हो गया लब, और बी से हो गया बाइकस्पिड वाल्व। टी से ट्राइकस्पिड वाल्व, बी से बाइकस्पिड वाल्व, एल से लब साउंड। लव साउंड के लिए जिम्मेदार कौन सा है, और यही फर्स्ट साउंड है, हर्ड का फर्स्ट साउंड यही है, सेकंड साउंड ये वाला है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, टी से ट्राई का सूट, बी से बाई का सूट। अब एस डी में यस से हो गया सेमी ल्यूनर वाल्व, बी से डी से हो गया डब। ठीक है, सेकंड साउंड जो हो गया सेमी ल्यूनर वाल्व के क्लोज होने से होता है और डब सुनाई देता है, तो पकड़ में आ गया उत्तर कौन सा है, सेमी ल्यूनर वाल्व, ये रहेगा बी से ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन ए फेज इन कार्डियक साइकिल इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्यों आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट द अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, क्यों आर एस कॉम्प्लेक्स क्या इंडिकेट करता है, ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो गलत हो गया। क्यों आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्यू आर एस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू आर एस जो है रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या एक्साइटेशन ऑफ द वेंट्रिकल, जैसे ही बोल लो तुम, तो ए 12 का बी सी हो जाएगा। देखो एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा कंफर्म करते हैं कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या इसी को बोल सकते हैं क्या सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल सिस्टोल बोल सकते हैं। ठीक है, या सॉरी सिस्टोल ही लिखते हैं, या इसी को बोल सकते हैं एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, तो एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल या डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, तो ये सब चीज़ें एक ही हो गई, या वेंट्रिकल क्या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन नहीं लिखा हूँ क्या, कहीं नहीं, इतने ये लिखा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सब एक ही चीज़ होगी, तो 12 का बी सी हो जाएगा। बाकी सी वाला ऑप्शन क्यों गलत है, द टाइम बिटवीन एस एंड टी रिप्रेजेंट द एट्रियल सिस्टोल, नहीं ये गलत है। पी वेब इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, पी वेब इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ, नहीं, पी वेब क्या रिप्रेजेंट करता है, पी वेब एट्रियल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, यानी एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो गलत हो गया। तो 12 का कौन सा हो जाएगा, 12 का बी। क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, आसान क्वेश्चन है, इसलिए चार्ट, ये रहा चार्ट, याद रहना चाहिए कि ब्लड ग्रुप चार टाइप के, ए बी, ए बी और ओ। अब आरबीसी के सरफेस पे जो पाया जाता है उसको बोलते हैं एंटीजन, और जो प्लाज्मा में पाया जाता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। अब ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए रहेगा, उसका उल्टा एंटीबॉडी रहेगा, बी रहेगा। ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी ही रहेगा, और जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहेगी उसकी उल्टी रहेगी, यानी बी की उल्टी उल्टी ए हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट, तो इसमें एंटीबॉडी ए रहेगी प्लाज्मा में, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है। अब यही ए बी और ओ का याद रखना है, बाकी सब तो याद रहेगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है
उस आर बी सी के सरफेस पे एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो निल रहेगी एंटीबॉडी प्लाज्मा में, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है पर्सन का तो। अब पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन आर बी सी के सरफेस पे एंटीजन निल रहेगा, लेकिन एंटीबॉडी जो है ए और बी दोनों पाई जाएगी। तो याद करने का तरीका ए ए बी में एंटीबॉडी, ए से एंटी बी से बॉडी, तो एंटीबॉडी ए बी में नहीं है। अगर यही याद रह गया तो ओ वाला ऑटोमेटिक याद आएगा, इसका उल्टा कर देना बस, उसके बाद देख लेना आ जाएगा। ओके अब देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन में अब ऑप्शन देखो मैच कर जा आ जाएगा कि ए पर्सन ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में क्या नहीं रहेगा, ए बी में एंटीबॉडी नहीं है तो ओ में एंटीबॉडी रहेगी ना, एंटीजन नहीं रहेगा ओ में, तो ओ ब्लड ग्रुप में है एंटी एंटी ए एन एंटी बी एन एंटीबॉडी इन हीच प्लाज्मा, नहीं गलत बात है ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन जो है दोनों है ठीक है, सॉरी क्या बोल गया मैं यार, ए बी में एंटीबॉडी नहीं है ठीक है, लेकिन ओ में एंटीबॉडी रहेगी, एंटीजन नहीं रहेगा ओ में ठीक है, आप सही है। अच्छा दूसरा वाला, ए पर्सन बी ब्लड ग्रुप कैन डोनेट द ब्लड टू पर्सन, पहला तो गलत है, तेरा का ये सिंपल सही, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट वाला ही हो गया, और क्या क्या उसके बाद एक्सप्लेन करें अपना देख लेना ठीक है। ओके अरे यार क्या बोल गया मैं, ये फिर से लाइन देखते हैं, ए पर्सन ऑफ ओ ब्लड ग्रुप हैज एंटी ए एंड एंटी बी, एंटीबॉडी बोला है ना, एंटीबॉडी इन हिज ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में ओ में एंटीबॉडी रहती है, ओ में दोनों एंटीबॉडी रहती है, ए बी में एंटीबॉडी नहीं रहती है, तो ए और बी दोनों एंटीबॉडी ओ में रहेगा, यानी पहला ऑप्शन तो सही है, तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट है नहीं, पहला पहला सही है। ए पर्सन ऑफ बी ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन ऑफ द ए ब्लड ग्रुप, ये बात गलत है ठीक है, कि चलो इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, दिमाग खचड़ा हो गया।